जो फ्लूक्स है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जिगर का कीड़ा होता है, लिवर फ्लूक कहते हैं। उसके बाद र्यूमन का कीड़ा होता है, उसे र्यूमन फ्लूक कहते हैं। और तीसरा जो होता है नाक का कीड़ा होता है। तो वो जिगर का कीड़ा या वो र्यूमन का कीड़ा होता है ऑक्सीक्लोराइड देने से मर जाता है, पर नाक का कीड़ा नहीं मरता है। तो नाक में जब फ्लूक आ जाती है तो गाय भैंस जो है फूफू करती है और उसके नाक में गोभी के वो भी हो जाते हैं। तो इसमें ये एंथोमेलिन लगाते हैं, ये एंथोमेलिन है, देखिए ये एंथोमेलिन, ये कहीं पे भी आपके क्या कहते हैं वो हो जाता है। ये एंथोमेलिन का फोटो इसमें दिया जा रहा है, तो इसका डोज देख लीजिए। ये करीब 15 ml 48-47 घंटे में 2-3 बार लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसको इसमें काफी यूज, प्राजिकुंटल भी इसमें यूज किया जाता है, पर मैंने प्राजिकुंटल यूज नहीं किया, पर ये एंथोमेलिन जो है वो मिल जाता है। मैं बैठे रहे बंदों को बता रहा हूँ कि प्राजिकुंटल या इससे ये नाक में जो हो जाता है, नाक में से जो बार बार फूफू करती है उसमें ग्रैनुलोसा होता है, उसके लिए ये नेजल वर्म होता है। ये बिहार झारखंड में काफी होता है, जहाँ हॉट एंड ड्राई है वहाँ नहीं है, पर जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड है तराई के एरिया में इसमें काफी होता है। तो मैंने आपको यही बताया कि ये इसमें जो है वो एंथोमेलिन है। एंथोमेलिन जो होता है लिथियम एंथोमेलिन थायोमेलेट है, लिथियम एंथोमेलिन। ये कहीं भी अगर आउटर ग्रोथ हो जाती है तो उसको काटता है। एक गाय थी, उसके पैर पे काफी ज्यादा मतलब बहुत सारे वार्ट्स निकल आए थे, बहुत सारे ट्यूमर हो गए थे। तो मैंने एंथोमेलिन उसमें लगाया और मैंने उसके उसी के ब्लड को निकाल के उसमें इंजेक्ट किया, तो वो गाय क्योर हो गई थी। तो अब एंथोमेलिन का प्रयोग करिए। मैंने इसको उसमें थन में भी किया है, थन में गांठ होती है उसमें भी लगाने से इसमें फायदा हो जाता है। जैसे बहुत सी गांठ हो जाती है उसमें वो नहीं निकलती है, तो उसमें गांठ के लिए पेप्टिडेज दीजिए, एंथोमेलिन लगाइए, तो आप जो है ये सेराकाइंड है, सेराकाइंड और एंथोमेलिन को लगाएंगे तो थन में भी आपके गांठ जो है खुल जाएगी, फाइब्रोसिस में भी लाभ होगा। आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो झारखंड में एक टेलीफोन नंबर है झारखंड का, ये झारखंड में भूपेंद्र जी हैं, 9204275594। इनको आप संपर्क करिए, ये ज्यादा बताएंगे आपको इसके सेराकाइंड के बारे में। ये फाइब्रोसिस बड़ी प्रॉब्लम है और ये थन में जो गांठ हो जाती है ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, भैंसों में आती है। तो इसका अब हमारा फार्मर्स स्कूल है, मतलब फार्मर ही फार्मर को बताता है और मैं जो ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो ट्रेनिंग के लिए आप हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर राजा जी उनको संपर्क करिए, 7979848432। धन्यवाद।